डॉक्टर बी भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति आडवाणी जी, प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह जी, कुल सचिव श्री विनोद कुमार सिंह जी, प्रोफेसर अजय तनेजा जी, प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, श्री ओम प्रकाश जी और संचालक करते हुए ब्रजेश रावत जी, सामने बैठे सभी शिक्षक शिक्षिकाएंगण, प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के नाम से कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित, और उस कार्यक्रम में शिवाजी महाराज की ओजस्वी चित्र का मेरे को दिया जा रहा। यहीं से मैं शुरू करता हूं अपनी बात को। दोनों ही ऐसे महापुरुष हुए हैं जो युवा वर्ग को ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के लिए तो मैं कहता हूं, देखिए, कोई भी विद्वान कोई विचार व्यक्त करता है, देश काल वातावरण जैसा होता है वैसे विचार देता है, उस वातावरण के अनुरूप जो उसे समाज को दिशा देनी चाहिए वो देता है, तो उसके कुछ परिणाम ये भी होते हैं कि उनके विचार कालवाह काल त्याज हो जाते हैं या अपनी प्रसन्नता को खो देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के विचार ऐसे विचार हैं कि जो चिर यौवन है, युवा वर्ग को हमेशा ऊर्जा देते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे। ऐसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। एक ही उनका सेंटेंस में दिया आपको बताऊं तो आप कितना ऊर्जा देता है। वो एक आदर्श वाक्य था उनका, उन्होंने कभी किया कहा था, कहा होगा, और 50 वर्षों के लिए कहा था उन्होंने तो, लेकिन आगामी सैकड़ों साल तक के लिए वो विचार युवा होता रहेगा। उन्होंने लिखा था कि आने वाले 50 सालों तक देश के युवाओं को भूल जाना होगा कि उनका कोई इष्ट देव या इष्ट देवी है। यदि कोई इष्ट देव है तो भारत राष्ट्र, और इष्ट देवी है तो भारत माता। यह विचार करने वाला व्यक्ति 50 सालों तक नहीं, आने वाले सैकड़ों सालों तक भी विचार ऊर्जा प्रदान करेगा। इसलिए मैं उनके विचार को चिर युवा विचार करता हूं, और उनके नाम से यह सशक्तिकरण निश्चित रूप से उनके विचारों से ही प्रभावित होकर मेरे नेता योगी जी ने इस कार्यक्रम को यह नाम दिया है। शिवाजी महाराज का भी जिक्र बाद में करूंगा मैं पहले, क्योंकि शिवाजी महाराज भी आगरा से तो एक स्वर्णिम प्रश्न रहा है। जब औरंगजेब ने उनको छल कपट से आगे में बंदी बनाया था, तो जिस रूप से उनको प्रस्तुत किया गया था दरबार में, और वहीं पर उन्होंने उसको चुनौती दी थी और बंदी बनाया था, लेकिन उन्होंने जिस अपनी राजनीतिक चतुराई, रणनीतिक चतुराई, पराक्रम, कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता, और योजना बनाना ही नहीं उसको कार्यान्वयन कर ले जाने की अद्भुत प्रतिभा का जो परिचय दिया था उसकी जो तोड़ के निकलने में, तत्कालीन दुनिया के सबसे बड़ी ताकत होंगे। और बिना एक एक्चुअल में वायरस से तो बिना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के कैद में, और बिना एक बूंद
फूल बाहे हुए चतुराई से निकल जाना इसका एक प्रचार राशि जुड़ा हुआ। दोनों का अद्भुत समन्वय हुआ, मुझे उनका प्रतीक चित्र दिया गया है आपके द्वारा और स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कोई कार्यक्रम है। मैं तो थोड़ा विलंब से आया, चाहे बहुत जी कुछ कह रही बहुत देर से आया, लिस्ट पढ़ लिए लगे लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो आगे कहीं जा पाऊंगे। पीछे कार्यक्रम थे लगातार दो छात्रों के बीच के कार्यक्रम, वहां से आने में विलंब और एक कार्यक्रम भिजपुरी में, दूसरा चलिए शहर में था रास्ते में, और इस वायरल की कमजोरी जो बिजनेस हो जाती है आपके वायरल कोई कभी थोड़ा सा इस लाइट हुआ हूँ दो मिनट की लाइट, लेकिन मनु जी ने कहा था इसलिए मैं आगरा के कार्यक्रम में आना तो जरूरी था ही। मैंने अयोध्या का महाभिम का कार्यक्रम छोड़ा है इस बीमारी में, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम में मैं आया। पीछे की मजदूरी में विलंब हुआ कुछ तो मजदूरियां नहीं होगी तो यू ही बेवकूफ होगी। क्योंकि मेरी मजदूरी थी आपका मुझे आप माफ करेंगे। ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं शिक्षकों से बात करना चाहूंगा, छात्रों से भी बात। मनु जी भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, मैं भी कभी यहां का छात्र रहा और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। और यदि मैं कहूं कि मुझे तराशने में विद्यार्थी परिषद एक संतराश वाली भूमिका है तो गलत है। रास्ते के पड़े हुए पत्थर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब कोई संतरास अपनी वर्षों की साधना छैनी हथौड़ी के रूप में चलाता है तो एक मूर्ति बनाता है तो उसे स्थापित होती है। तो मैं वहां से एक निकला हुआ व्यक्ति उस दौर से वहां से तराशा हुआ यहां तक आया। मैं उस संगठन का भी शुक्रगुजार हूं आगरा की जनता का भी। शिक्षक और गुरु कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है लेकिन बहुत कठिन है डर पर। मेरे जीवन में भी शिक्षक बहुत आए, पहली कक्षा से लेकर बीएससी किया, एमए किया, लॉ किया। गुरु कौन थे, किनको आस्था प्यार करता, जिन्होंने दिशा दी दशा सुधारी, जिन्होंने तलाशा और फिर मुझे तराशा, वो गुरु थे। ऐसे दो लोग थे आज तक उनको याद करता हूं। जीसी शर्मा जी का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, आगरा कॉलेज मैथमेटिक्स के लेक्चरर रहे, उन्होंने मुझे बीएससी में एंट्रेंस प्राइज दी। जब मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री बना मनोज जी अखबार में छोटा सा फोटो आया बड़े से अखबार, मैं कॉलेज में प्रवेश किया, बधाई है छात्र छात्राओं की लेक्चरर्स की। लेकिन जीसी शर्मा साहब ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, बोले विद्यार्थी परिषद जैसे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन का शहर का मंत्री बनना मालूम है क्या होता है,
अब एक सीनियर लेक्चरर किसी छात्र से एकदम ये प्रश्न करे या कहे तो सटपटा जाना स्वाभाविक है। फिर भी मैंने जो मेरे दिमाग में आया मैंने कहा कि हाँ सर, छात्र हितों के लिए, छात्रों की मांगों न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। बोले नहीं। फिर मैंने कहा कि क्योंकि शहर का मंत्री हूँ, शहर के हर कॉलेज में परिषद की इकाई का गठन हो यह जिम्मेदारी। बोले नहीं। मैंने कहा सर तो फिर आप ही दिशा निर्देशन करो। उन्होंने जो मुझे सेंटेंस दिया वो आज तक मुझे याद है, मेरा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का संघ मंत्री बनने के बाद ऐसा कर जाना कि आने वाले लोग तुम्हारे वाले विद्यार्थी परिषद को याद रखें कि विद्यार्थी परिषद की जो मेरे पास देते थे। और जब भी जहां भी रहो जो जिम्मेदारी मिले उसको इस तरह निभाना कि लोग याद करें कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। ये मुझे दिशा दी होगी, इसलिए मैं बात से गुरु बनता हूं और कोशिश करता हूं कि सूत्रवाद का अनुपालन करता हूं। और मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए लेकिन मनु जी आज भी लोग कहते हैं विद्यार्थी जरूर आपके समय कहते नहीं कहते ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी लंबी लगी खजरों काम से लोग याद करें कहीं पर। आप लोग जो विधायक बनाया अभी दावत जी कह रहे थे, मैं आंकड़ा भी दे देता हूं। पहले चुनाव 27,000 से जीता, दूसरा 52,000 से जीता, तीसरा 57,000 से जीता। जनता का इसलिए बढ़ता चला है क्योंकि मेरे को उस गुरु का वो वाक्य याद था और उस पर काम किए, उससे जनता का प्यार लेता रहा। एंटी इंटेंडेंसी हो नहीं सकती यदि डीसी करवाने के विषय को मैं याद रखूं उस काम करता हूं। मैंने आगे को क्या किया भी थोड़ा समझ से बता दूं। पानी की समस्या थी, खरपति से खरपति तक पानी के लिए परेशान था। खरपति भले ही अपने यहां पर बिस्लरी वाला नेता हो या नीचे से भूगर्भ जल स्तर से पानी ले लेता हो, लेकिन पानी की समस्या हर एक सतह की वजह भी थी क्योंकि लाल यमुना का पानी गंदा था। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राज कपूर ने फिल्म से बताया होगा, लेकिन कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गई, दिल्ली ओखला के नाले धोते धोते। ये हम तो हमारे किसी और बात ही बताते थे अगर आपके यहां। मैंने अहद लिया ईश्वर की कृपा हुई, मैं तो उसी कृपा मांगता हूं, करता है तू कैया मेरा नाम हो रहा। लेकिन जरूर चाहिए उसकी प्रेरणा कहां से मिली, इस समस्या का निदान देना है शहर को। और 9 जनवरी 2019 आगरा के निवासियों के इतिहास की तारीख बन गया। तब मेरे नेता मोदी ने प्रश्न दबाया और जमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई थी उस दिन साफ पानी को भरा था। आज सब तो कुछ करना चाहिए और जनता उससे स्नेह से आगे का भागीरथ करती है, ये उसका स्नेह है। उसके बाद ऐसे मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन 2017 के चुनाव में तो लिखा के बाद और क्या स्थिति थी ऐसे मेडिकल कॉलेज। जब मैंने अहद लिया कि मैं ऐसे मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन करूंगा, उसको इस स्तर पर लाने की कोशिश करूंगा, एक स्तर की सुविधाएं आगरा के लोगों को मिले, क्योंकि दवाई की इतनी जरूरत होती है व्यक्ति के जीवन में। यहां
किसी माँ को पलटते हुए कि डॉक्टर मेरे बच्चों को अच्छा कर दो चाहे मेरा घर बुरा बन जाए, या किसी पुत्र को अपने पिता के लिए माँ के लिए माँ को ठीक कर दो डॉक्टर चाहे मेरा घर बुरा बन जाए। ये आवश्यकता है तमाम। और यहाँ का ऐसा मेडिकल कॉलेज जो हिंदुस्तान के इतिहास के तीन प्राचीनतम मेडिकल कॉलेज में एक है, जहां कभी पहले चीफ मिनिस्टर कमलापति पाटिल का इलाज होते हुए हमने सुना है। लेकिन दुर्दशा ये थी कि जब मैं 2017 में देखने गया जिसका फैसला होना चाहिए, तो वहां की छात्राओं ने मुझसे कहा हमारे हॉस्टल को देखिए। मैंने कहा आपके हॉस्टल को देखने नहीं आया हूँ, यहाँ पे नहीं देखने आया हूँ, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट, क्या सुधार, क्या नए डिपार्टमेंट कौन से खुल सकते हैं। तो एक बार आप हमारा हॉस्टल देख लीजिए, बाद में भेजिए गर्ल्स हॉस्टल था, मैंने प्रिंसिपल को बुलाया, सरोज सिंह जी नाम दे रहा हूँ, पूछ सकते हैं श्रीमती सरोज सिंह प्रिंसिपल थी। मैंने कहा ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे क्या मामला है, अरे बोली थोड़ी यार वो देख रहे हैं, मैं समझ गया कि दाल में खा रहा है पूरी दाल डाली दाल कर दी। मैंने कहा चलिए आप आगे चलिए पीछे चलता हूँ। शर्मनाक स्थिति, गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूमों के दरवाजे नहीं थे, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति जिसके गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे ना हो बाथरूमों के, और क्या इलाज होता होगा। और आज देखिए 5 सालों में वह नए विभाग खुल रहे हैं, जब मैंने इस विषय को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री जी के इस्तीफा हुई, उन्होंने ऐसे मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन के लिए सुपर स्पेशल विभाग खोलने के लिए 300 करोड़ दिए और योजना बन रही है, बन रहा है, नए कलेवर में दिखेगा। तो काफी आगे आज ही फलाइए फला फला के टेस्ट ऐसा मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गए, डायलिसिस शुरू हो गया है, उसका तो उद्घाटन मैंने किया है, इसी डायलिसिस के इतवार हो गया थे। संक्षिप्त में एक सेंटेंस बताऊं तो जिस मेडिकल कॉलेज का हाल वो था, और जब कोरोना काल आया तो मेरे पर कितने लोगों की सिफारिश आई कि हमारा फला बीमार है, फला बीमार है, एडमिट कराइए विधायक जी कहीं, तो मैंने कहाँ चाहते हैं आप, तो सबकी चाहे खरपति हो चाहे काकपति हो सबकी पहले डिमांड ऐसे मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी। यह परिवर्तन है योगी जी की सरकार में प्रवेश। तो जरूर से कोई लगेगा तो परिवर्तन होगा और वो दिशा के साथ में फिर आता हूं वही पलौट के हमारे जीसी शर्मा जी खैर पूरे एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया है, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। परसेप्शन बदल रहा है उत्तर प्रदेश की शिक्षा का, ये बात तो सही है। जरा पीछे लो भैया, पीछे ये बच्ची क्या कर रही है, बातें मत करो, नहीं सुनना है बाहर जाओ, सुनना है तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी वह अपेक्षित बदलाव नहीं है, सबको मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। इससे पहले योगी जी की सरकार से पहले क्या स्थिति थी, इससे बड़ा ही दुर्भाग्य हो नहीं सकता किसी प्रदेश का कि कोई राजनीतिक दल यह कहकर वोट मांगे कि छात्रों हम तुम्हें लगातार और उस प्रदेश का दुर्भाग्य ऐसा हुआ
उस मानसिकता ने यहां शिक्षा बढ़ा किया और उसमें शामिल होते चले गए समाज का हर रंग। मुझे कह रहे हो छात्र भी शामिल हुआ, अभिभावक भी शामिल हुआ, शिक्षक भी शामिल हुआ, व्यवस्था भी शामिल हुई, राजनीति दल भी शामिल हुई। सुधार कौन सा है? क्या बनाना चाहते हो देश की आगे वाली नस्ल को? यही कि टॉप ऑफ करना ये बच्ची से उठा तो सब्जेक्ट कौन से सर इतनी बता पाएंगे? ये शिक्षा को एक ही विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का बी प्लस रैंकिंग आज तीन विश्वविद्यालय एक डबल प्लस है। ये बधाई की बात है आप सबको उत्तर प्रदेश की शिक्षा और क्या अभी इस मुकाम पर खड़े कभी भी नहीं डबल प्लस हो सकता है। इस राज की नीति का है क्या निजी विश्वविद्यालय जो होता है जो प्रवर्तन शिक्षा शिक्षा का स्तर बढ़ा होगा इस बात में जोर दें। तो मित्रों विषय ये है कहां क्या कर रहे हैं एनडीबीएस नहीं लाइन में खोली लाल मेकाले शिक्षा पद्धति से दुस्तान हो गई थी और जब वो देखो दोष हमारे लिए घातक थी लेकिन उसी देश भक्ति हुई थी लाल मेकाले जी जब वो घात के अपने शिक्षा पद्धति लाल मेकाले बिहार उत्तर प्रदेश घर पहुंचा है तो उसके पिता पूछते तो क्या ले गया है दुस्तान को तो बोला वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूं कि आने वाले नस्लें काली अंग्रेज प्रजा फोन लगता है बैठे हुए उसके साथ चंद निकले के जो कहेंगे अभाव कौन थी गाली कौन थी अरुपति क्या है मंडल की पत्नी क्या थी इतनी बेहूशी गहरा की है हमारे इस धरती ने भारत माँ की कोख से निकली है इतने लोग मानते हैं जब नहीं जानते संस्कार से ले जाने की शिवाजी महाराज के इतिहास को इतना पढ़ा लेना दिखा लेना कितने लोग पढ़े इतना बड़ा इतिहास का प्रश्न एक ही स्मारक नहीं यहाँ पर शिवाजी महाराज अंग्रेज नहीं कर गए कोई बात नहीं लेकिन हिंदुस्तान को आया जो 75 वर्ष हो गए क्यों नहीं हुआ इस संस्कार को इसलिए शिक्षा पद्धति को बदलने की आवश्यकता नहीं आई भी चर्चा करूंगा बहुत देर होगी लेकिन मूल बिंदु में एनईपी में क्या है जिस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द की सरकमफेरेंस में उसकी योजना कार्यक्रम घूम रहे हैं शिक्षा को संस्कार से जोड़ो शिक्षा को रोजगार से जोड़ो शिक्षा को तकनीक से जोड़ो कैसी विषम परिस्थितियों में मेरे नेता मोदी जी ने सबके प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो लागू की जब पूरा विश्व कोरोना के चपेट में था उस विषम काल में भी उन्होंने देश की भारतवर्ष की एक बैठा है सामने इसकी सुधार के लिए ऐसी अब इसके लिए व्यक्त पूरी शिक्षा की योजना तैयार हो ये वही है शिक्षा को करनी से जोड़ना या आपको टैबलेट दिया जा रहा है स्मार्टफोन दिया जा रहा है प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ना अपने संस्कारों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना यह है एनईपी मूल बिंदु पुरानी शिक्षा नीति के तो क्या हम बस को बुलाने दिए थे भारत के लिए छोड़ होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सब बुला के स्थिति की तो पुरानी शिक्षा
और जब इंद्राजी भेजे थे तब इस बदलाव के लिए संकल्प ले लिया था देश का भागीदारी करें अगला स्टेप उसका होगा।